हाय देयर, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज मैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन लेक्चर 2 लेके आया हूँ आपके साथ। सो पहला वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा, कुछ लोगों ने सराहा भी। सो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं लेक्चर 2 में रीडिंग कम्प्रिहेंशन के, आज के हमारे टॉक का जो मुद्दा है वो है कि हाउ टू रीड द माइंड ऑफ द ऑथर हु हैज रिटन एन आर्टिकल विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ रीडिंग कम्प्रिहेंशन और पैराग्राफ इन योर कैट पेपर। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर इज रीडिंग द माइंड ऑफ एन ऑथर, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द क्रिएटर्स माइंड और क्रिएटर्स माइंड, यूड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटायर creation as well. So how it works, why I have decided to make you learn how to read the mind of an author, it's just because it helps us to understand and comprehend the passages correctly, helps to understand the assumptions and premises of the author. You can understand the theme of the passage without reading it wholly. And the last one, the writing style of the author and the tone understanding, it helps you a lot. आता हूँ एक एक करके बात करता हूँ सब पर। तो ऑथर के माइंडसेट को समझना क्यों जरूरी है? देखिए, एक कवि हुआ ऑगडेन नैस। इफ यू गो टू इंग्लिश लिटरेचर, अ पोएट वॉज ऑगडेन नैस एंड अनदर वॉज कबीर हुमायूं। या हिंदी में भी कई सारे राइटर्स हुए। आप अगर देखोगे तो कबीर हुमायूं को की एक पोएट्री है द गुड्स ट्रेन। द गुड्स ट्रेन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफ, जैसे कि मालगाड़ी जिसको आप कहते हो। द गुड्स ट्रेन में क्या होता है, सामान लाद दिया जाता है, चलती जा रही है चलती जा रही है। जाना कहाँ है वो डिसाइडेड है, किस स्टेशन पर कितना देर रुकना पड़ेगा, कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, कैसे करेंगे, नथिंग इज श्योर अबाउट। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ लाइफ वी थिंक सेम वे। अब जरा सा इस चीज को आप समझिए कि कबीर हुमायूं अगर लाइफ को कंपैरिजन करता है तो वो गुड्स ट्रेन से करता है, जबकि अगर आप हिंदी पोएट्री को जाओ तो कहीं आपने पढ़ा होगा यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो सुमित्रानंदन पंत ने, इफ आई रिकॉल राइट द राइटर्स नेम, तो उन्होंने इसको कैसे ले लिया कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मतलब कहीं ना कहीं स्प्रिंग और झरने से कंपेरिजन किया। अब जरा सा दोनों को देखो, कबीर हुमायूं एक स्टेशन मास्टर का बेटा है। पूरा बचपन कहां गुजरा, रेलवे कॉलोनी। रेलवे कॉलोनी में उसने क्या देखा, ट्रेन्स का आना जाना। तो लाइफ को उसने कंपैरिजन किससे किया, गुड्स ट्रेन से। अपने पंत साहब प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, लाइफ को जोड़ दिया सीधे से नेचर से। मैं ये बताना चाहता हूं कि आफ्टर ऑल लिटरेरी वर्कर इज द आउटकम ऑफ इट सराउंडिंग ओनली। जिस परिवेश से वो आता है कहीं ना कहीं वही चीज वो लिखता है। इस चीज को और भी अगर कंफर्म करना है तो आप यह से समझ सकते हैं कि प्रेमचंद किस तरह की कहानियां लिखता है, शेक्सपियर किस तरह के ड्रामे लिखता है। तो ये तमाम चीजें जो आप देखते हो लिटरेरी वर्कर, या आप कंटेम्पररी फेज में आओ तो चेतन भगत ने क्या लिखा, कॉलेज हॉस्टल लाइफ यही सब, बिकॉज वहीं से उसने उस चीज को ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी राइटर जो लिखता है अपना जो भी ऑब्जर्वेशन उसका है, उसी को किसी ना किसी रूप में कैरेक्टर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है, अपनी बातें कहता है। तो कैसे आप ऑथर को समझना आपके लिए बेहतर है, ऑथर के बैकग्राउंड को भी आप उसके राइटअप से समझ लोगे, ये कैसे हम सीखेंगे, ये जरूरी होता है। इसको समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जब एक ऑथर प्लान करता है अपना राइटअप,
तो वो क्या क्या चीजें सोचता है, बिकॉज आई हैव बीन एन ऑथर, आई हैव रिटन बुक्स, मोर देन 1000 आर्टिकल्स ऑफ माइन आर देयर इन डिफरेंट प्रिंट डोमेन, बीट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया। तो मैं समझता हूं इस चीज को कि एक ऑथर जब कोई चीज लिख रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या प्लानिंग होती है उसकी। हम सभी जानते हैं कि कोई भी काम करने के पहले कुछ प्लानिंग होती है, तो एक ऑथर क्या प्लानिंग करता है। सबसे पहले उसका काम जो होता है वो होता है उसका नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस का मतलब है कि जो मैं लिखना चाहता हूं या जो लिटरेरी पीस मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं एट अ पब्लिक डोमेन, उसकी नीड क्या है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, सिमिलरली अब उसी चीज को मैं कैरी कर रहा हूं। तो मैंने नीड एनालिसिस करी कि क्या नीड है रीडिंग कंप्रिहेंशन के बारे में कुछ अपनी बातें रखने का। ऑफकोर्स मैं विजुअल मोड में रख रहा हूं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे बाकी बिजनेस डोमेन में भी हम करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करने के पहले या प्रोडक्ट प्लान करने के पहले मार्केटिंग का पहला रोल ही होता है नीड एनालिसिस। सेकेंड थिंग, चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म। चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कि यहां पर ऑथर जब राइटअप लिखता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहा है। आई मीन उसका जो प्रिंट होगा कहीं पर या फिर ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जाएगा वो किस प्लेटफॉर्म के लिए जा रहा है। सपोजिंगली अगर मैं ट्विटर के लिए कुछ लिख रहा हूं तो कितने वर्ड का लिखूंगा, अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं तो उसका ड्राफ्ट जो करूंगा वो कितने वर्ड का करूंगा। सिमिलरली इस तरह से उसको पता चल जाता है कि वो कौन सा राइटिंग पीस लिख रहा है। पहली चीज, वो एसे लिख रहा है या फिर आर्टिकल लिख रहा है। अब यहां पर एसे और आर्टिकल के बीच आपको जानना जरूरी है। एसे इज नथिंग बट इजी टू एक्सेस। इजी टू एक्सेस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी चीज पर एसे लिख रहा हूं तो मैं अपना ओपिनियन उसमें नहीं दूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एसे एंड एन आर्टिकल। द बेसिक डिफरेंस इज इन एन एसे द इंफॉर्मेशन आर जस्ट कलेक्टेड एंड पुट इन अ कोहेरेंट वे, नो पर्सनल ओपिनियन इसके बिना। ऑथर साइड से कोई भी ओपिनियन नहीं दिया जाएगा। बट व्हेन इट्स एन आर्टिकल तो इट्स बेसिकली आर्ट पर्टिकल, समथिंग वेयर द ऑथर हैज शोन हिज आर्टिकुलेशन स्किल्स। तो वहां पर वो पर अपने प्रोडक्टिव स्किल्स को यूज करते हुए कहीं ना कहीं अपनी बातें जरूर उसमें रखेगा, ओपिनियन जरूर देगा किसी भी टॉपिक पर। तो इसके लिए राइट प्लेटफॉर्म की तलाश करता है। अगेन एक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम किसी भी मुद्दे पर बात करें अगर, तो कहीं ना कहीं से हमें फैक्ट्स फिगर्स की जरूरत होती है, तो वो एक्यूमुलेशन उसका तीसरा प्रोसेस होता है। डेवलपिंग अ नोशन। लेट्स से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बहुत चर्चित जो एग्जाम्पल है किसी भी डोमेन का आजकल, कि भाई किसान आंदोलन पर मुझे कुछ बात कर रखनी है अपनी, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी कंट्री में, उस पर मुझे अपनी बात रखनी है। तो द फर्स्ट थिंग विच आई शुड बी नोइंग एज एन ऑथर इज व्हाट इज फार्म बिल। तो जैसे ही मैं फार्म बिल पढ़ता हूं टू आई मीन शेयर माई ओपिनियन, वेदर इट्स रॉन्ग और राइट और वेदर जो प्रोटेस्ट ये हो रहा है वो कितना सही है, तो मुझे फैक्ट फिगर्स की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली ऑप्टिंग द राइटिंग स्टाइल्स एज पर प्लेटफॉर्म। अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक आर्टिकल लिख रहा हूं तो मेरा राइटअप डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी वेब पोर्टल के लिए आर्टिकल लिख रहा हूं या कोई ब्लॉग लिख रहा हूं तो मेरा स्टाइल चेंज हो जाएगा। दैट वे कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म बहुत डिसाइड करता है कि मैं मेरा राइटअप कैसा क्रिएट होगा। बेसिकली आई एम अ डिजाइनर हु नोज हाउ टू डिजाइन द ड्रेस, बट ओकेजन मैटर्स फॉर मी। किस ओकेजन के लिए आप मुझसे ड्रेस डिजाइन करवा रहे हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगेन मेकिंग पॉइंटर्स, फैक्ट फिगर्स के आधार पर मैं पॉइंटर बना रहा हूं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहां पर सर्टेन पॉइंटर्स बना के रखे हैं, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है तो मेरे एक कोहेरेंट वे में अपनी बात रखी जाए, ऐसे पॉइंटर्स बना के ऑथर भी रखता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं ड्राफ्ट है और वो राइट करेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता नहीं तो शायद लिख रहा होता इन चीजों को, तो अभी मैं बोल रहा हूं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, थिंकिंग द फ्लॉज ऑफ स्टेटमेंट्स गोइंग टू बी मेड एंड रेस्पॉन्डिंग देम इन नेक्स्ट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझे, अगर मैंने कहा कि एक ऑथर नीड एनालिसिस करता है, अब यहां पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर कहीं, जब ऑथर लिखता है तो वो अपने सामने एक वर्चुअल सोल क्रिएट करता है और वहां से वो क्वेश्चन जनरेट करता है।
जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन जनरेट किया कि मैंने कहा कि ऑथर नीड एनालिसिस करेगा। अब एक काउंटर जो सामने बंदा वर्चुअल सोल है मेरा, मुझसे पूछेगा कि ऑथर नीड एनालिसिस करेगा या फिर अपनी बात रखेगा और फिर वो क्रिएट होगा, तो देयर विल बी अ डिस्प्यूट। तो जैसे ही मैं नीड एनालिसिस करूंगा तो मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई आई एम डूइंग इट, व्हाई एन ऑथर नीड्स टू एनालाइज द नीड ऑफ इट्स राइटिंग पीस। तो वो काउंटर आर्गुमेंट वहीं पर, और अगले वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट में जहां पर वो स्टेटमेंट बोलेगा उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसको एक्सप्लेन करता नजर आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं ये स्टेटमेंट कैसे बोल रहा हूं। दैट इज स्टेटमेंट फॉलोड बाय द आर्गुमेंट, वो स्टेट बनता है। और यही वो मौका होता है जहां से पैराग्जाम्पल के लिए आपके लिए बहुत बड़ा टूल मिलता है। पैराग्जाम्पल का जब मैं लेक्चर लूंगा तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। देयर यू विल गेट अ वेरी राइट अप्रोच हाउ टू मेक द सेंटेंस अरेंज्ड, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट एंड सिक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंसेस जैसे ऑथर लिखता है, तो वही चीज वहां पर भी फॉलो करनी होती है। एंड फाइनली कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग विजिल ऑफ वर्ड लिमिटेशन। कोई भी राइटर चाहे किसी भी डोमेन पर काम कर रहा हो, वो अपने वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखता है। उसका रीजन ये है कि जिस डोमेन पर भी वो लिखेगा कहीं ना कहीं वो चीजें उसके लिए फॉलो करनी होती हैं। ही इज नॉट राइटिंग अ बुक जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ही इज नॉट राइटिंग अ रिसर्च पेपर जहां पर कोई राइटर लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन है इसलिए वो ऐसा करता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब ऐसे सोचो राइटिंग पीस जब डिजाइन होता है तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं उसके? टॉपिक होगा, रीडर होगा और ऑथर होगा। अब जब कोई भी ऑथर लिखता है ना, तो या तो वो फर्स्ट मूवर होता है उस टॉपिक पर, या फिर वो उस टॉपिक से रिलेटेड स्टैब्लिश्ड फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है, या फिर काउंटर कर रहा होता है। इस आखिर कैसे उसके दिमाग में कोई टॉपिक आता है? लेट से किसान आंदोलन पर बहुत बातें कही गई, या फिर कैट रीडिंग कंप्रिहेंशन को लेकर के बहुत बातें कही गई, लेकिन मैं भी वही बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रीडिंग कंप्रिहेंशन पर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग कंप्रिहेंशन ऑफ कैट, आई वेंट थ्रू द मोस्ट ऑफ द वीडियोज विच हैज बीन पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नाउ आई फेल्ट दैट समथिंग इज स्टिल नीड टू बी सेड विच मे सर्व और फैसिलिटेट द कैट टेकर्स प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन। नाउ अब इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं यहां आया, तो मैंने क्या किया, देयर इज अ टॉपिक देयर, उस टॉपिक पर काम भी हुए हैं, लेकिन उसी को मैं अपने तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, बिकॉज आई फील कि समथिंग इज देयर जहां पर मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। तो और ये किसके अकॉर्डिंगली मैं सोचता हूं? टॉपिक और रीडर, इन दोनों को कंबाइन करता है एक ऑथर। रीडर के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखता है और टॉपिक में जो चीजें नहीं कही गई हैं उस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखता है। कैसे वो रीडर में वैल्यू एडिशन करेगा ये चीज वो जरूर देखता है। तो क्या है ऑथर, क्या करता है बेसिकली? वैल्यू एडिशन फॉर रीडर्स, इधर इंफॉर्मेशन, सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो नहीं शेयर किए गए हैं वो एक्स्ट्रा ऐड करेगा उसमें, अगर वो फर्स्ट मूवर नहीं है टॉपिक का तो, या फिर कुछ नया आइडिया देगा। आइडिया का मतलब है नया थॉट प्रोसेस देगा उसी टॉपिक पर, वो कुछ नया एंगल दे जाएगा, जो हम कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अभी मैं जिस पॉइंट पर बैठा हुआ हूं, कैमरा मुझे उस एंगल से देख रहा है, या मैं कैमरे को उस एंगल से देख रहा हूं, लेकिन अगर मैं अपना प्लेस चेंज कर दूं, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू, द प्लेस फ्रॉम वेयर आई कैन व्यू इट, तो वो बदल जाएगा। सिमिलरली ऑथर जब किसी चीज को देखता है तो वो इसी तरह से देखता है। सपोज आप काउंटर, कोई सामने मेरे बंदा बैठा हुआ है, वो मेरे को जिस पॉइंट से व्यू कर रहा है, माय पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, बट इफ समवन सिटिंग बिहाइंड मी और उसका जो पॉइंट है मुझे व्यू करने का वो डिफरेंट है, तो उसके लिए मैं डिफरेंट हो जाऊंगा, ही विल डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट, एंड द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी विल डिस्क्राइब मी समथिंग डिफरेंट। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जनरल टॉक है, हम वो घर बात कर, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू। Point of view is something, the place from where you look upon the an object, or accordingly react. तो वो अपनी बात कहना चाहता है basically author. वो क्या कहना चाहता है कि मैंने जैसे इसको देखा वो मैं describe कर रहा हूँ. Similarly, जैसे मैंने reading comprehension को समझा, reading comprehension में improvement के scope को समझा, और the ways by which reading comprehension can be improved,
उस पर बात मैं कर रहा हूं अभी। तो कैसे एक ऑथर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो दो ही तरह से रखेगा, या तो नया सेट इंफॉर्मेशन लेगा। ऐसा कब होगा, जब पैसेज यूजुअली जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा सब्जेक्ट मैटर वाला, तो सब्जेक्ट मैटर अगर साइंटिफिक है तो वहां पर इंफॉर्मेशन का सोर्स ज्यादा है, नया इंफॉर्मेशन शायद मैं कुछ शेयर करूं, लेकिन इफ इट्स फ्रॉम फिलोसफी, इट्स फ्रॉम से हिस्ट्री, जहां पर मैं कुछ नए फिलोसफी के रूप में अपनी बात रखूंगा, फिलोसफी इज समथिंग एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी, तो वहां पर मैं अपनी बातें नई तरह से रखूंगा। स्पिरिचुअलिटी का कोई टॉपिक आ सकता है, वहां पर मैं थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दे सकता हूं, इस तरह की बातें होती। सो ऐसे ही, या फिर कही गई बात पर ही वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले दिनों आपने देखा एक चीज चर्चा में थी कि भाई अर्नोगेट करके एक टॉपिक आया था, कि वहां पर अर्नो जी ने ऐसा किया कि चैट करके, और ही वॉज नोइंग कि क्या होने वाला है फर्दर, और ही वॉज सेलिब्रेटिंग इट। अब देखो, यहां पर एक बात कही गई, अपने पर्सपेक्टिव में अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट किया गया चीजों को। मैं ना अर्णव गोस्वामी का फैन हूं ना किसी का फैन, मुझे तो आपको समझाना है कि आर्ग्यूमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग वीक होते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि एक बाइक चल रही है सड़क पर और अचानक से एक्सीडेंट हुआ और गिर गया कोई बंदा। वहां पर तीन प्रोफेशन के लोग हैं, एक रिपोर्टर है, दूसरा डॉक्टर है, और तीसरा एक ऑटो ड्राइवर है। तीन लोग सड़क के किनारे खड़े थे और अचानक से बाइक एक्सीडेंट हुआ उनके सामने। रिपोर्टर के दिमाग में पहली चीज आएगी, बाइक दुर्घटना में युवक घायल। द फर्स्ट थिंग कम्स इन द माइंड ऑफ अ रिपोर्टर, उसको टाइटल सोचता है कि मैं इसका टाइटल क्या लगाऊंगा, इवेंट हुआ टाइटल क्या लगाऊंगा। डॉक्टर सोचेगा डैमेज क्या हुआ होगा, और ऑटो वाला सोचेगा मैं इसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। सेम इवेंट पर तीन प्रोफेशन के लोगों ने डिफरेंटली रिएक्ट किया। सिमिलरली, अगर अर्णव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई वी गोन लाइक क्रेजी और समथिंग, तो एक टीवी चैनल का मालिक किस चीज के लिए मरता है, व्यूअरशिप के लिए। कि मेरा यूट्यूब पर भी लोग आप देखते होंगे, मैं नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, रीडरशिप देखते हैं। आपने देखा सुशांत सिंह मर्डर केस में लोगों ने कैसे व्यूअरशिप अपना बढ़ाया, वीडियो में कोई कंटेंट नहीं कुछ नहीं, लेकिन क्यों बना रहे थे, बिकॉज व्यूअरशिप मिल रहा था। और वो सारे लोग भी इस बात पर कमेंट करते हैं। मैं अपने किसी वीडियो में कमेंट नहीं करता कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या जो कीजिए, दैट शुड बी द एबिलिटी ऑफ माय कंटेंट। ये मेरे को सोल अपने व्यूअर्स को छोड़ देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा वहां पर, लेकिन बहुत लोगों ने किया और हर वीडियो में लोग करते हैं। तो अर्नव, आई एम टॉकिंग आर्ग्यूमेंटेटिवली, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ अर्नव और अगेंस्ट अर्नव, आई एम टॉकिंग द थिंग, द सब्जेक्ट मैटर इज गिवेन टू मी, और एक लॉजिकल ब्रेन जैसे सोच सकता है, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट लॉजिकल ब्रेन। तो लॉजिक क्या कहता है कि अगर कोई भी घटना हुई है उससे मुझे किस रूप में फायदा हो रहा है, या मैंने उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया। तो उन्होंने पहले अपने रिपोर्टर भेज दिए थे और उसके चलते व्यूअरशिप उनको ज्यादा मिली एंड ऑल, तो वहां पर वो जा रहा है। चलिए, इस डिबेट का मुद्दा है और हमें डिबेट में पढ़ना नहीं, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं लोगों के, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवनस इमोशन। सो आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर अगर कोई कहता है कि अर्णव गोस्वामी वॉज सेलिब्रेटिंग बिकॉज हिज एंटी नेशनल और समथिंग दिस दोही एंड ऑल, तो ये कोर्ट रूम में जब बात जाएगी, लॉयर जब इस पर प्लीड करना शुरू करेगा, तो ये एक वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। कैसे, बिकॉज अपने प्रोफेशन के बारे में कोई सेलिब्रेट कर सकता है, इवेंट चाहे जो भी हो, एज अ नेशनलिस्ट और एज अ इंडियन वो दुखी हो सकता है, बट जैसे ही वो प्रोफेशन के चेयर पर जाएगा, जैसे एक जर्नलिस्ट को एक्सीडेंट के टाइम सिर्फ यही सुझाई दिखाई देता है कि बाइक दुर्घटना में युवक घायल, तो सिमिलरली और अर्णव गोस्वामी को भी वही एंगल दिखाई पड़ रहा है। तो कोर्ट रूम में जब आर्गुमेंट की बात आएगी तो इट्स अ वीक आर्गुमेंट। हाँ, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक कोर्ट में आप जो भी बातें कह लो, जैसे भी कह लो, लोग समझते हैं, सुनते हैं, और पॉलिटिकल गेन लेने के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। वाइस वर्सा, अर्णव गोस्वामी ने ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर हमला किया गया, सोनिया गांधी ने करा दिया। भाई, आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं था, एंड यू आर टॉकिंग द सेम, so what you were doing for the others, the same was being replied to you, तो अब आप चिल्लाओ मत। तो ये दोनों ही चीजें आर्गुमेंट के बेस पर, दोनों ही चीजें नहीं ठहरेंगी। तो आर्गुमेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस ये देख के ऑथर कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो अपने रीडर का, अपने व्यूअर का इम्प्रोवाइजिंग थॉट प्रोसेस
सोचने की जो शक्ति होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, कहीं ना कहीं वो उसको इंक्रीज करना चाह रहा होता है, यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है एज एन ऑथर। अब इतना काम करने के बाद वो क्या करेगा, स्टाइल सिलेक्शन करेगा। अब एक इसको ऐसे देखो, मैं कहूं कि लाइक IIMs इंडिया हैज गॉट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी लाइक तिहाड़ इन दिल्ली, तलोजा, आर्थर रोड इन मुंबई, दिस आर द प्लेसेस वेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज ऑपरेटेड। द इंट्रेंस क्राइटेरिया इज यू हैव टू कमिट अ क्राइम, यू विल बी गेटिंग एक्सपोजर टू इंटरनेशनल क्रिमिनल्स देयर, द फैकल्टीज आर ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, एट द सेम टाइम यू विल बी गेटिंग अ कैंपस प्लेसमेंट इटसेल्फ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं एक ऐसी चीज को इस रूप में, बेसिकली इसको टॉन्ट बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आई एम गोइंग सार्कास्टिक, मैं व्यंग कर रहा हूं कि कैसे एक साधारण से क्रिमिनल को भी अगर आप तलोजा, आर्थर रोड या इस तरह के बड़े जेल्स में रख देते हो तो वहां पर उसकी कंपनी किसकी होती है, बड़े क्रिमिनल्स की, और वो और बड़ा क्रिमिनल बन के निकलेगा या सुधर के निकलेगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, एरिस्टोटल हैज सेड इन सोशियोलॉजी दैट वी ह्यूमन बीइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, वी आर सोशल एनिमल। और एक बंदे को जब सुधारना होता है तो हम कहां भेजते हैं, और वेटरन क्रिमिनल के पास। तो जो हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा, जो बेसिक साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, उसके जस्ट अगेंस्ट हमारा पूरा सिस्टम चलता है। तो इसको मैंने एक अलग तरह से कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड ऑल। तो बेसिकली एज एन ऑथर मैं टॉन्ट कर रहा हूं चीजों पर, है ना। इस तरह से आपको समझना है कि ये मेरा राइटिंग स्टाइल है, मैं चाह रहा हूं कि ये ऐसा फनी बने कि लोग असर तो पूरा करें लेकिन रीड करने के दौरान मैं डायरेक्ट फ्लैट स्टेटमेंट ना बोल रहा हूं। तो यहां पर मुझे स्टाइल सिलेक्शन करना होता है। अब कैट के पैसेज यूजुअली राइटिंग स्टाइल और टोन पर मैं एक सेपरेट वीडियो करने वाला हूं, बट मोर और लेस जो कैट के पैसेज होते हैं, इधर दे आर आर्गुमेंटेटिव इन नेचर और एनालिटिकल इन नेचर मोस्ट ऑफ द टाइम। आई मस्ट नॉट से कि ऑल द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इधर दे आर आर्गुमेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्टाइल और एनालिटिकल इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्टाइल। होता क्या है कि आर्गुमेंटेटिव स्टाइल इज ऑप्टेड यूजुअली व्हेन ऑथर इज राइटिंग अ प्रिवेलिंग टॉपिक। जैसे मैं अगर किसान आंदोलन पर लिखूंगा तो मेरा जो राइटिंग स्टाइल होगा वो कहीं ना कहीं आर्गुमेंटेटिव होगा। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट द फर्स्ट मूवर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, जो बातें कही गई हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के वीक आर्गुमेंट को और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट से मैं कैसे काउंटर करके अपनी बात एक नया विजन दे सकता हूँ रीडर को, थॉट प्रोसेस सोसाइटी को एक नया विजन दूंगा, रीडर मेरी बात सुनेगा और उसको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। यही चीज मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कर रहा हूँ, एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन इम्प्रूव। बट अगर मैं फर्स्ट मूवर हूं देन आई विल गो फॉर एनालिटिकल राइटिंग स्टाइल। व्हाई सो? बिकॉज एनालिटिकल स्टाइल इज सुटेड व्हेन द ऑथर इज फर्स्ट मूवर ऑन द टॉपिक। तो आप उस टॉपिक को पहली बार समझ रहे हो तो एनालिसिस करके, एक्सप्लेन करके मुझे लिखना होगा ताकि आप उस चीज को समझ पाओ। अब इस चीज को समझने के लिए मैंने कैट 2020 का एक पैसेज लिया, ये फ्लैट पैसेज है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको पढ़ो। मैंने थोड़ा सा इसमें जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको देखा स्लाइस करके रखा था और डिफरेंट स्लाइसेस के माध्यम आपको बताया था, वही काम इस वीडियो में भी मैंने किया है ताकि आपका वो स्किल अगर डेवलप हो जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। देखिए कैसे, इन द लेट 1960s व्हाइल स्टडिंग द नॉर्दर्न एलिफेंट सील पॉपुलेशन अलोंग द कोस्ट्स ऑफ मेक्सिको एंड कैलिफोर्निया, Bernie Leboeuf and his colleagues could not help but notice that the threat calls of males at some sites sounded different from those of males at other sites. That was the first time dialects were documented in a non-human mammal. All the northern elephant seals and so on. So, आप यहाँ देखिए मैंने slices किए। अब आपका task क्या है? आप पहले प्रीवियस स्लाइड में जाओगे, प्रीवियस स्लाइड में जाने के बाद आप इस पैसेज को फ्लैट रीड करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को देख लो आप कितना आप समझ पाते हो। देन यू मूव टू दिस स्लाइड, नाउ रीड विथ स्लैसेस, क्या अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफरेंट है, क्या इस बार अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई, इंप्रूव्ड है? ऑब्जेक्टिव तो वही है। अगर अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव्ड है तो अब आप नेक्स्ट क्या करोगे कि
ट्राई टू स्लाइस द सेंटेंसेस टू मेक देम इजिली कंप्रिहेंडेबल। देखिए पैसेज का आधा हिस्सा मैंने कर दिया है आपके लिए, अगला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। अब इस चीज को क्यों छोड़ा है, ताकि ये आपका काम है, मैं ये देख, चूंकि मुझे स्किल डेवलप करना है, तो एक ही पैसेज में आधा काम मैंने कर दिया। उसका पहले आप फ्लैट रीडिंग करो इस वाले स्लाइड में, जहां पर डायरेक्ट पैसेज आपको दिया हुआ है, देखिए पूरा पैसेज दिया हुआ। उसके वेरी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इस चीज को स्लैश के साथ आधे पैसेज को रखा, एंड इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड मैंने इस पैसेज को आपके टास्क के रूप में दे दिया। अब यहां से आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हो, दैट्स द वे यू कैन डेवलप योर स्किल। अब जरा इस पैसेज को एनालिसिस के तौर पर देखते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि इवन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द ऑथर गिव्स यू द इंटायर नोशन ऑफ द ऑथर, कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। और आज हमने क्या सीखा है, रीडिंग द माइंड ऑफ द ऑथर, माइंड ऑफ ऑथर को रीड करना है। अब जरा सोचते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है पैसेज, क्या होगा, बिकॉज कैट के सारे पैसेज आप करो ये जरूरी नहीं। आउट ऑफ फाइव पैसेजेस अगर आप तीन पैसेज करोगे, दो तो आप छोड़ोगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कैट पैटर्न आउट ऑफ फाइव पैसेजेस वन वुड बी डिफिकल्ट, टू वुड बी मॉडरेट एंड टू वुड बी ईजी। ये क्यों दिया जाता है, आखिर ये कैटेगराइजेशन हम क्यों करते हैं? इसका रीजन ये है कि हम ये देखना चाहते हैं irrespective of how expert you are of the domain of called verbal or reading comprehension in CAT, of course a difficult passage is equally difficult for you too. So क्या आप difficult passage में अपना time kill कर रहे हो, या दो easy और एक या दोनों moderate करके निकल जाते हो, difficult one छोड़ के निकल जाते हो। So CAT 2020 में जब यह passage पूछा गया, तो ये passage कहीं ना कहीं moderate के लेवल में आएगा, सीरीज में आएगा उसके, और इसका स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है। कैसे, अब जरा इसको देखो, इन द लेट 1960s व्हाइल स्टडिंग द नदर्न एलिफेंट सिल पॉपुलेशन अलोंग द कोस्ट ऑफ मैक्सिको एंड कैलिफोर्निया, अब वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द ऑथर, अब जरा इसको फ्रेजेस के साथ मैं पढ़ूंगा, आपको सुविधा होगी समझने में। पहला फ्रेज क्या है, इन द लेट 1960s। अब आपको लेट 1960s जब कहा गया है, तो 60s का मतलब फ्रॉम 61 टू 69, ये पूरा पीरियड होता है। लेकिन इसमें अर्ली 60s अगर मैं कहूं, तो 61 टू 63 की बात कर रहा हूं। मिड 60s अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 64 टू 66 और 67 मैक्स। और मैं लेट 60s की बात कर रहा हूं, दैट रेफर्स टू आई एम टॉकिंग अबाउट 67 टू 69 समवेयर, 66 67 68 और 69, ये 4 इयर्स शायद रहे होंगे। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए द ईयर विच ऑथर इज रेफरिंग इन द पैसेज कम्स और फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और वो पीरियड दे देगा 1961 टू 60, तो लेट 60s आपको समझना है। यही होता है कंप्रिहेंडिंग, ऑथर यहां एक्सप्लेन पूरा नहीं करेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट 1967 टू 1969 और समथिंग, वो लेट 60s लेके आगे बढ़ेगा, बिकॉज उसको आपके अंडरस्टैंडिंग पर इतना भरोसा है। नाउ व्हाइल स्टडिंग द नॉर्दर्न एलिफेंट सील पॉपुलेशन, ये सेकेंड फ्रेज है स्टेटमेंट का। कब, the very first statement of or the very first clause is talking about when, kab, the author is answering in the late 1960s, kab ke baad kya aayega, kya, so while studying the northern elephant seal population, where, kab, kya, kahan, क्या इसी सीरीज में हम अपने लाइफ इवेंट को भी डिस्क्राइब नहीं करते हैं? अरे मैं बीमार था, अरे कब, परसों, कहां थे उस दिन, घर पर ही था, ओके, तो कब, कहां, क्या, ये सारे यही क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं।
अब आप देखिए, इस वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में ही ऑथर कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सप्लेन करता नजर आएगा आपको। इन द लेट 1960s व्हाइल स्टडिंग द नदर्न एलिफेंट सील पॉपुलेशन दिस मच पार्ट इज शोइंग यू कि व्हाट यू टाइम पीरियड वाज 1960s। द इवेंट वाज व्हाइल स्टडिंग द नदर्न एलिफेंट सील पॉपुलेशन नाउ वेयर अलोंग द कॉस्ट्स ऑफ मेक्सिको एंड कैलिफोर्निया। Who, since an act is taking place, right? What? Studying. So if there is an act, by default, there would be an actor. If not, the sentence structure would be passive. अगर actor को मुझे silent करना है तो grammar में आपने direct indirect speech bias पढ़ा होगा। वहां पर जब भी मुझे actor को silent करना होता है इट इज परसिव्ड। अब हु परसिव दैट आई डोंट वॉन्ट टू टेल दैट, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज परसिव्ड बाई मास। हु इज देयर इन मास? नो वन नोज। सो जब भी मुझे वैसा, लेकिन यहां पर एक्टिव स्ट्रक्चर यूज किया है ऑथर ने, ध्यान रखना। इन द लेट 1960s व्हाइल स्टडिंग द नदर्न एलिफेंट सील पॉपुलेशन अलोंग द कोस्ट ऑफ मैक्सिको एंड कैलिफोर्निया, सो व्हेन अ स्टडिंग टेक प्लेस of course there would be a person who is studying. Who is that? Barney Leboeuf and his colleagues. अब नोटिस कीजिए, इस पूरे स्ट्रक्चर में देखिए, पहला पार्ट टाइम को डिनोट कर रहा है, दूसरा पार्ट एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है। दैट रेफर्स टू कि यहां पर दे वे स्टडिंग अबाउट नदर्न एलिफेंट सील पॉपुलेशन वेयर अलॉन्ग द कॉस्ट ऑफ मैक्सिको एंड कैलिफोर्निया। Who? Barney Leboeuf and his colleagues. Now, so what next? By default, intuitively आप क्या कहोगे? ठीक है, मैं समझ गया कि late 1960s में northern elephant seal population के बारे में पढ़ते हुए कहां पर Mexico and California के किनारे, costs of Mexico and California, कौन? Barney Leboeuf and his colleagues. तो क्या पढ़ने के बाद क्या किया? Study कर रहे थे और उनके यहां place हो गया, time हो गया। So act क्या था? Couldn't help but notice. Help कुछ नहीं कर सके लेकिन notice किया. What? That the threat calls the males at some sites sounded different from those of males at other sites. Threat call is कोई खतरा का आवाज होता है तो हमें भी होता है. That is what animals के बारे में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अगर आप देखोगे तो कुत्ते का रोना, बिल्ली का भौंकना, बिल्ली का रोना, बहुत सारी बातें कही गई हैं, शुभ अशुभ की बहुत सारी बातें कही गई हैं। समवे और द अदर यहां पर वो कह रहा है दैट द थ्रेट कॉल्स ऑफ मेल्स एट सम साइट्स साउंडेड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मेल्स एट अदर साइट्स। अब देखिए यहां पर चूंकि स्लैसेस हैं तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं। कैसे? दैट The threat calls of males at some sites sounded different from those of males at other sites. That was the first time dialects were documented in a non-human mammal. ये पहला टाइम था। चूंकि देखिए अब यहां पर बहुत सारी बातें अभी कहने को हैं, लेकिन ऑथर वो चूंकि वहां फोकस नहीं करना है, उसका फोकस एरिया है कि व्हाट वाज द स्ट्रेंजर पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि थ्रेट कॉल्स ऑफ मेल्स एट सम साइट्स साउंडेड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मेल्स एट अदर साइट्स। नाउ फर्दर एक्सप्लेनेशन उसने डॉट करके क्लोज किया है, बट ठीक, कमिंग टू मेन पॉइंट कि दिस इवेंट वाज द फर्स्ट टाइम डायलेक्ट्स वेयर डॉक्यूमेंटेड इन अ नॉन ह्यूमन मैमल। अब सोचिए इस पैसेज को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये किस सब्जेक्ट मैटर का है? साइंस का है। किस साइंस का है? नेचुरल साइंसेज का है। नेचुरल साइंसेज में आप बायोलॉजी के जो दो पार्ट होते हैं, बोटनी और जूलॉजी, कहीं ना कहीं जूलॉजी में इसको रख सकते हैं मैक्सिमम। ऑल द नदर्न एलिफेंट सील्स दैट एग्जिस्ट टूडे, अब ऑथर ने यह पैराग्राफ क्लोज कर दिया वहां पर नॉन ह्यूमन मैमल्स के पास। क्यों क्लोज किया? बिकॉज
फर्स्ट पैराग्राफ में उसने फेस क्रिएट किया, फेस में उसने ऑल सेंस ऑर्गन डाल दिए। जैसे हमारे फेस में बहुत नोज, ईयर, आईज, माउथ, टंग, ऑल सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्रेन इज देयर इन द फेस ओनली, देन बॉडी इज मेड। सिमिलरली कहीं ना कहीं ऑथर ने ऑल फेस में आपसे इंट्रोड्यूस कर दिया, कहां, कब, क्या, कौन, क्या हुआ, एवरीथिंग इज इंट्रोड्यूस्ड। अब आप समझ सकते हो कि ये पूरा पैसेज कैसे आगे बढ़ेगा। दिस इज व्हाट इज द स्टोरी लाइन। तो कैसे ये हेल्प करेगा कि यहां पर ऑथर अब फर्दर किस चीज की बात करेगा, या तो वो बात करता नजर आएगा फर्दर पैसेज में रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्रेट कॉल्स ऑफ वन साइड टू दैट ऑफ अनदर साइड, या तो इसको एक्सप्लेन करता नजर आएगा, और कहीं ना कहीं बनी लिबोफ के एक्ट की बात करता फर्दर नजर आएगा। दो पॉसिबिलिटी है जहां पर वो बात करता फर्दर नजर आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पैराग्राफ है फेस है उसको देख के यही लग रहा है। सो ऑल द नदर्न एलिफेंट सेल दैट एग्जिस्ट टुडे आर डिसेंडेंट ऑफ द स्मॉल हर्ड दैट सर्वाइव ऑन इशु गुडलप्पे आफ्टर द नियर एक्सटेंशन ऑफ द स्पेसेज इन 19th सेंचुरी। As that tiny population grew, Northern elephant seal started to recognize former breeding location. It was precisely on the more centrally colonized island, and Leverrier found that the tempos of the male vocal displays showed stronger difference to ones from Isa Galapagos, the founder colony. In order to test the reliability of this direct over time, Leverrier and other researchers visited this and Iceland, where males showed the slowest pulse rate in their calls every winter from 1966. The entire passage is being reasoned out about the difference of bias, difference threat calls of males to different sites. अब उसी को वो reason out कर रहा है और further आगे बढ़ रहा है in the entire passage. अब जब आप ये समझ गए कि ये passage कहीं ना कहीं moderate level का है और इस चीज को discuss कर रहा है, अब यहां पर अगर बहुत basic सा question मैं आपसे पूछूं कि इस पैसेज का राइटर नीड एनालिसिस करने की बात हम करते हैं, उसने नीड एनालिसिस की फाइंडिंग क्या रही होगी जिसके चलते उसने ये पैसेज नीडफुल पाया होगा रीडर के लिए। लिखा तो तभी। सो ऐसा क्या है इसमें कि नीड एनालिसिस करेंगे आप? देन बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर की बात सोचिए। ऑथर बाय प्रोफेशन क्या होगा? तो पहले सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर इज साइंस। मम्मल्स की बात की जा रही है, बायोलॉजी जियोलॉजी के रूप में बात कही जा रही है, एंथ्रोपोलॉजी की बात अगले वीडियो में आएगा। आपको आप समझेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें क्या एक्सप्लेन करते हैं। कहीं ना कहीं ये पैसेज एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बट फिर भी एंथ्रोपोलॉजी का जियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जियोलॉजिकल नॉट जियोलॉजिकल, नोटिस। तो यहां पर ये जो बातें ऑथर ने कही हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस। अब देखिए, जो इकोसिस्टम इकोलॉजी स्टडी करने वाले लोग हैं, जो जानवरों के बिहेवियर को रीड करने वाले लोग हैं, यू मे नॉट बी द पर्सन जो इसकी जरूरत फील करता है। शायद आपके पर्सनल लाइफ में इस तरह के राइटअप की जरूरत ना पड़े और आप ना पढ़ो। तो फिर कैट में आपको क्यों दिया गया? आखिर जिस चीज की जरूरत नहीं होती है वहां आपको टेस्ट क्यों किया गया? तो मेरा आंसर सीधा सा है यहां पर, बिकॉज सी, क्यों मैं हर बार आपके रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करता हूं, आप जो कुछ भी करते हो, उसका रीजन ये है कि बाय एंड लार्ज अपने रियल लाइफ एप्लीकेशन को आप नहीं समझोगे, इसमें इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। यू विल परसीव इट एज अ कैट पैसेज, पढ़ना है, आंसर करना है, स्कोर लेना है, गेटिंग टू एम्स, बट आप नहीं जानते हो कि ये कैसे हेल्प करेगा आपको। आप एक चीज बताओ, कोई भी प्रोडक्ट लंच में ज्योग्राफिकल टेरिटरी मायने रखती है या नहीं रखती है? या फिर किसी प्रोडक्ट में इनोवेशन की अगर बात करोगे तो आप ये मानना चाहोगे कि नहीं कि मैं वो सारे फैक्टर्स स्टडी करूं जो मेरे प्रोडक्ट को प्रभावित कर सकते हैं? अब जरा इसको ऐसे समझो कि लेट्स से आप किसी ऐसी कंपनी के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हो जो एलिफेंट्स के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाती है,
क्योंकि एलिफेंट होता बड़ा वैल्यूएबल एनिमल है, तो उसके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करना चाह रहे हो उस केस में, या फिर एक ऐसे लोकेशन पर आपकी कंपनी स्टेब्लिश होने जा रही है, लेट्स से आप वुड इंडस्ट्री में जा रहे हो, फर्नीचर इंडस्ट्री में जा रहे हो, जिसके लिए सप्लायर आपका वहां से करता है, आपको उधर जाना से। अब एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अगर आप उस जगह के लोकेलिटी और नेचुरल सराउंडिंग के बिहेवियरल एस्पेक्ट को नहीं समझ पा रहे हो या रीड नहीं करते हो, तो विल यू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एवर? असली कैट को देखोगे, वो फिलोसफी, साइकोलॉजी, एवरीथिंग, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एनीथिंग विच कैन बी फेल्ट बाई द सेंस ऑर्गन, वो सब कैट के पैसेज का सब्जेक्ट मैटर है। सीधे शब्दों में कहूं, वट एवर यू कैन फील इन योर इमेजिनेशन, इधर इन फिजिकल फॉर्मेट और इन वर्चुअल फॉर्मेट और इन ओनली मोशन, इवन कल्पना ही में ही सही, वो सब सब्जेक्ट मैटर है कैट का। बिकॉज इनोवेशन जब आप बात करते हो, स्ट्रेटजिकल एस्पेक्ट की बात करते हो बिजनेस मैनेजमेंट में, तो वहां पर ऑल एस्पेक्ट कम्स टुगेदर टू डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट उस एरिया में काम करेगा कि नहीं, आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट, जैसे महिंद्रा के स्कॉर्पियो की बात करो, आप देखोगे नॉर्थ में वो काफी ज्यादा चलता है, बट इफ यू गो टू मुंबई और इन महाराष्ट्र, स्कॉर्पियो हैज लेसर कस्टमर देन दैट ऑफ इनोवा। रीजन बीइंग द रफनेस दैट स्कॉर्पियो हैज दैट मे नॉट देयर विथ इनोवा। सो आप ज्योग्राफिकल लोकैलिटी को समझोगे और उस कॉन्टेक्स्ट में इस रीडिंग कंप्रिहेंशन को समझो। तो यहां पर इस पूरे रीडिंग कंप्रिहेंशन में मैंने जो आपसे बातें करी आज, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जब तक आप रीडर को नहीं समझोगे, उसके सब्जेक्ट मैटर को नहीं समझोगे, तब तक आप रीडिंग कंप्रिहेंशन में इंटरेस्टिंगली नहीं जाओगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लास्ट ईयर कैट पेपर जब मैंने देखा, तो मेरे लिए ये पैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंट्यूटिवली मैं जानने लगा कि ये थ्रेट कॉल डिफरेंट सेम एनिमल, बट डिफरेंट साइज चेंज होने के चलते डिफरेंट तरह से रिएक्ट करें थ्रेट दें। एक इंसान को देखो, किसी भी लोकेलिटी का हो, इंडिया की बात करो, तो वेदर दैट पर्सन इज बॉर्न इन कश्मीर और इन कन्याकुमारी और आई मीन एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम वेस्ट, एक्सट्रीम ईस्ट, बट जब भी कोई खतरा आता है तो अरे बाप, अरे माँ, चिल्ला सकता है, वो कॉमन होते हैं। लेकिन अब एनिमल्स के बात जब आपने देखा, तो डिफरेंट साइड्स पर थ्रेट कॉल देने का जो उनका रिएक्शन है वो डिफरेंट है, दे हैव अ डिफरेंट साउंड पैटर्न। इजेंट इट लिटिल इंटरेस्टिंग टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा है, क्या कोई क्लाइमेटिक इंपैक्ट है उन पर? तो ये चीज समझने की होती है, और इसीलिए जब आप कैट के रीडिंग कंप्रिहेंशन को पढ़ते हो, तो आप इसलिए मत पढ़ो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल गेटिंग इन टू आई आई एम एंड रिमेन आउटसाइड आई आई एम, इज जस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट मेरे को कैसे हेल्प करेगा। बिकॉज वहां पर 2 साल के पीरियड में मोर देन 200 केस स्टडीज आपको दिए जाते हैं, एंड अ केस स्टडी में हैव 40 to 50 pages। कैसे पढ़ोगे इफ यू आर नॉट ए गुड रीडर? यहां तो एक 400 से 500 के 5 RC दे दिए गए, जो कि 5 पेज पर आ जाएंगे, तो आपको लगता है रीडिंग कंप्लीट 5 पैसेज पढ़ने होते हैं। मैंने डे वन कहा था, जब अपने इंट्रो वीडियो में कैट में गया था, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स यू नीड टू हैव अ प्रूडेंट रीडर। क्यों प्रूडेंट रीडर? क्योंकि ये केस स्टडी आप वहां डिफरेंट पढ़ोगे। एक बार में रात में तीन प्रोफेसर तीन सब्जेक्ट में तीन केस स्टडी दे देगा, फिनेंस का एक बंदा दे देगा फाइनेंशियल केस स्टडी, स्ट्रेटजी वाला स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई केस स्टडी दे देगा, अगेन मार्केटिंग वाला कोई मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी दे देगा, एंड ऑल थ्री वुड बी डिस्कस टुमारो। और इवन इन क्लासरूम दे देंगे सीधे सीधे, हाफ एन आवर में पढ़ो और डिस्कशन करना है अपने को। सो उनका तो पढ़ा हुआ होता है, देर यू टू आपको भी पढ़ना होता है। सो रीडिंग कंप्रिहेंशन को यूटिलिटी एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं, तो इसलिए आप तैयार मत करो, बिकॉज कैट देना है।
इट विल हेल्प यू ओवरऑल एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग योर इंटायर पर्सनैलिटी गेट कंप्लीट अकम्प्लिस्ड रहता है। सो आज जितनी बातें हमने करी